ए फड़ली डांग ए लो जी टंग 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 है सेवरेज का रास्ता, जो शाही इमाम का सारा वेस्टेज होता था ना पानी का, वो इस पाइपलाइन के थ्रू निकलता था। देखो आपको नजर आएगा कि दो इन्होंने फरिश्ते या परियां या जो भी आप लो के वो बनाए, ये बनाए ये और वो, ठीक है ये दो हैं बेसिकली, ये एक जन्नत का मंजर बनाया था उन्होंने। अच्छा आप समझे, मैं अपने भाई की मेहंदी पे ढोल बजा रहा हूँ। शाही इमाम की छत पे वो पास ऑन होती हुई यहाँ से जाती है इस तरफ, ठीक है इधर, फिर ये जो है ना 90 की एक आर्च है। शाही इमाम के अंदर है जी हम लोग, और ये हम लोग नुकड़े लगे हुए हैं, बड़े करीबी दोस्त ने नुकड़े लगाया हुआ है। अभी हम इनके साथ ले लेते हैं एक सेल्फी, यादगार सेल्फी विद मास्टर बाबा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। मास्टर बाबा पहुंच चुका है पंजाब के दिल, पंजाब के शहर लाहौर में। मैं आज इस स्पॉट पे आया हूं, अभी इस वक्त मैं खड़ा हूं शाही हमाम। शाही हमाम का ए टू जेड का प्रॉपर विजिट दिखाऊं, लास्ट तक भी लोग को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही आज एक्साइटेड हुआ हूँ। तो अब चलते हैं आगे। टिकट वाले एरिया में हम लोग आ गए हैं, और जो हमारा फ्रेंड है वो भी आएगा। स्पेशल प्रोटोकॉल है अली भाई का, क्यों फा साहब? अब हम चाय पियेंगे, रखा हुआ है इन्होंने, और ये स्पेशल साइकिल इन्होंने बनाई हुई है, इसके ऊपर क्रिएटिविटी चेक करें इनकी। और ये एग्जिट है, एंट्रेंस उस साइड से है, वो लास्ट कॉर्नर से राइट। अभी चलेंगे इसके अंदर भी। ये भाई ढोल वाले बैठे हुए हैं, ये ड्यूटी जब इनकी स्टार्ट होगी और जब इनका कोई इवेंट करना होगा तब वो आएंगे इस जगह पे और अपनी डाफ बजाएंगे। वैसे ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में मसला तो कोई नहीं। ए फड़ ली डांग ए लो जी टंग 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 वाला जो आप स्पॉट देख रहे हैं ना, ये है सेवरिज का रास्ता, जो शाही इमाम का सारा वेस्टेज होता था ना पानी का, वो इस पाइपलाइन के थ्रू निकलता था। आगे प्रॉपर इसका सेटअप होगा, तो अभी तो फिलहाल ये बंद किया और बीच में एक बल्ब चला हुआ है, तो ये उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन। ये देखें इनका ये स्टार्ट हो गया शो, मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ एक चीज। भी ढोल बजाने लगा हूँ, चले जी आप समझे, मैं अपने भाई की मेहंदी पे ढोल बजा रहा हूँ। हम लोग ना अब नीचे जा रहे हैं, तो चेक करते हैं नीचे है क्या सीन। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये सारी, और ये लास्ट, और ये पीछे जो सा ना कुछ है इसके अंदर, अभी ये भी नहीं पता कि यहाँ तक है, इससे नीचे स्टेयर्स नहीं है, बस इतनी डेप्थ है इसकी। ये सारी कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखें बहुत ज़बरदस्त। ये एक एक ईंट जो सा ना उस वक्त की हिस्ट्री बता रही है, अगर ये बोल सकती होती ईंटें
तो ये हमें आज बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा होगा। चलो चलें अब ऊपर। ये मैं वहाँ से एंटर हो चुका हूँ, शाही इमाम की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ से अब एंट्रेंस है इसकी। ले गाइस, वेंटिलेशन इनकी उस टाइम की देखें कैसे बनी हुई थी। ये देखें, एट क्लास, मिडिल क्लास एंड लो क्लास के लिए, क्योंकि ये टारगेट किया गया था पूरे का पूरा हमाम बिजनेस कम्युनिटी ऑफ द स्पाइस बाजार। जब वो लोग यहाँ आया करते थे तो कुछ अमीर ताजर, कुछ गरीब ताजर, कुछ मिडिल क्लास ताजर हुआ करते थे, या कुछ उनके स्टाफ के लिए थे। तो इस तरह इसको डिवाइड किया गया। जब ये आप मेन में देख रहे हैं स्विमिंग पूल, दिस वाज फॉर देयर मिडिल क्लास हमाम। तो ये मिडिल क्लास, इसकी आप वो तस्वीर भी देख सकते हैं वो सामने। हाँ, बिल्कुल। ये अगर आप देखें तो ये स्विमिंग पूल बना हुआ आजकल के हिसाब से। आप वहाँ इसकी दीवार के ऊपर सामने देखो, आपको नजर आएगा कि दो इन्होंने फरिश्ते या परियां या जो भी आप लो के वो बनाए, ये बने, ये और वो। ठीक है, ये दो हैं बेसिकली। ये एक जन्नत का मंजर बनाया था उन्होंने। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद सामने जो है वो फ्रेस्को अब अपनी ओरिजिनल कंडीशन के नहीं है। अगर आपको इस साइड पे सामने नजर आ जाएगा ये भी बने हुए, एक दो, ये दो हैं, वो दो हैं जो बाकी अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर। ये फ्रेस्को बाकी है अभी तक। खूबसूरत आप फ्रेस्कोस देख रहे हैं, ये सारी की सारी डिस्कवर की गई हैं 1991 के अंदर। बिफोर दैट ये सारी कवर्ड थी येलो पेंट के साथ। येलो पेंट मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटिश जैसे खेरा में किसी टाइम पे जब ये बंद था उस टाइम पे किया गया। इसको लास्ट टाइम जो फंक्शनल देखा गया था 1707 तक देखा गया था। 1635 में ये हमाम बना था। 1707 से लेके 1857 तक 150 ईयर्स तक ये एक अबैंडेंड प्लेस रही है, बंद जगह रही है। तो फंडरात के शक्ल अख्तियार कर गई। 1857 में जब इसको रेनोवेट करने लगे ब्रिटिश, तो उन्होंने देखा कि 70% बिल्डिंग टू मच डैमेज, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया यानी डिमोलिश कर दिया। और जो बची हुई है इसको उन्होंने प्रिजर्व कर दिया। नीचे जितना भी पूल देख रहे हैं उनको शॉर्ट फिलिंग कर दी। शॉर्ट फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर कवर करके न्यू फ्लोर बना के इनको कमरों में चेंज कर दिया। ये कमरे बन गए। इन कमरों के अंदर दे ओपन द पब्लिक कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, देन दे ओपन देयर ऑफिसेस टिल 1947। इन 1947 इस बिल्डिंग को यूटिलाइज किया गया एज अ गर्ल्स स्कूल, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, देन लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये क्या स्पॉट है? दिस वाज अ सिटिंग एरिया, वेटिंग एरिया। फर्स्ट आपने देखा बाय बोर्ड था तो वो टिकट काउंटर था। देन ये सेकंड प्लेस है जहाँ पे वो बैठते थे जमीन के ऊपर, उस दौर में बैठा करते थे। अभी चेयर्स आ गई जी, अभी हमने इसको ऑपरेट किया एज अ कॉन्फ्रेंस और डॉक्यूमेंट्री रूम। विंडोज का टेक्सचर मतलब ये सारा ये उसी टाइम का है, लाइट वेट है। ये छोटे छोटे जो चेम्बर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये चेंजिंग रूम थे, कपड़े वगैरह बदला करते थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वो जोन सा ना हमाम वाली साइड पे जाते थे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ पे सारा प्रॉपर जोन सा इनका नहाइया धोइया होता था बादशाह सलामत का। यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं जो कि यहाँ पे एक्सकवेशन हुई, जब खुदाई की गई तो यहाँ से दरियाफ्त हुए थे। कंजर्वेशन साइट का यूनेस्को की तरफ से मेरिट अवार्ड भी मिला हुआ है शाही इमाम। जबरदस्त, ठीक है, ये वो है। और ये जो सारी आपको ये सॉर्ट ऑफ छोटा सा म्यूजियम नजर आ रहा है ना यहाँ पे, जो ये डिफरेंट शेल्फ्स के अंदर राइट साइड पे भी और इस साइड पे भी आपको आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये एक्सकेवेशन के टाइम पे जो सारे निकले हैं ना इसके अंदर, ये वो है। ये अपर स्टोरी के अंदर आपको ये छोटे छोटे इस तरह की ये चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। ये जिस तरह हम अपने घरों के अंदर अब ऑर्नामेंट्स देखते हैं जिनके यूज होते हैं मट्टी के बर्तन, ये वो सारी चीजें हैं। कुछ इसके अंदर आपको ऐसी लग रहा होगा कि टॉय फॉर्म में ये लग रही हैं। हाँ, ये बेसिकली अब एक म्यूजियम सॉर्ट ऑफ स्पेस है जहाँ पे ये इस किस्म के सारे आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं जो एक्सकवेशन के टाइम पे निकाले गए। पहले वाला देखें वो डायनासोर लग रहा है। अब मुगल आर्ट में डायनासोर का काम, सही बात है। ये जो मुगल थे मदर साइड से बिलोंग करते थे मंगोल से, इसके नजदीक जाए इसके अंदर वाली साइड में सुराग खुले हैं दरमियान से वेंटिलेशन के लिए। ये स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब का, शायद की मक्की के छत्ते का। ओपन सेम से नैरो फिर ब्रॉड, तो हवा एकदम से प्रेशर से आगे फिल्टर होकर तेजी से आती है। ये किले के अंदर बहुत सारी जालियां आपको, ये एसी था उनका, ये स्काईलाइट है इसकी, ये ब्रिटिश के दौर की नहीं है, उसके बाद रेप्लिका बनाया गया। शाही इमाम की छत पे जा रहे हैं अभी हम।
स्टेप देखें कितना बड़ा बड़ा है, और ये छोटा सा दरवाजा इन्होंने बनाया हुआ है उसी जमाने का, ये लकड़ी है। शाही इमाम की छत पे मैं आ चुका हूँ इस टाइम, और ये चीजें सिर्फ मैं ही आपको दिखा। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें क्लिक। ये छोटी छोटी क्या चीजें हैं ये जो हैं? बेसिकली वही स्काईलाइट्स के जो चेंबर्स हैं ना, आप नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं वेंटिलेशन और उसके लाइट के लिए डे लाइट। बेसिकली मुगल आर्किटेक्चरल जो एक कुछ पैटर्न्स है ना, उनमें से एक पैटर्न ये भी। वो अब आप डॉम देखो लेफ्ट साइड पे, वो अपनी ऑलमोस्ट ओरिजिनल कंडीशन के अंदर, ये वाली हाँ, उसके अंदर आपको वो चेंबर्स नजर आ रही होंगे जिसमें से लाइट पास ऑन होकर जा सकती है, हवा की क्रॉसिंग और सारा कुछ। ये वेंटिलेशन के प्रॉपर चेंबर्स है, वो फिर आपको वो उस साइड पे एक छोटा सा नजर आ रही है ये वाली। हाँ, बेसिकली स्टीम के बाहर निकलने का रास्ता है, जो नीचे हॉट वाटर बाथ की जगह थी उनके लिए ये बने। अच्छा, ये कितने यहाँ पे बाथ थे, कितने टाइप्स के? तीन टाइप्स के बाथ। अच्छा, कौन कौन से? मिडिल क्लास है, एक एलीट क्लास है और एक पब्लिक है। और बाथ की टाइप कौन सी है, मतलब हॉट वाटर बाथ भी है, कोल्ड वाटर बाथ भी। सबसे अब हम उतर रहे हैं नीचे और हम जा रहे हैं प्राइवेट बाथ में। आपने देखा मिडिल क्लास, अच्छा देखेंगे प्राइवेट। ये जो है छोटा सा बाथ टब है और ये वाटरफॉल है ऊपर, ठीक है? ये जी वाटरफॉल है। अच्छा ठीक है, वो कॉर्नर पे जो से सुराख है वो, और नीचे देखेंगे तो आपको बाथ टब नजर आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ये एलीट क्लास बाथ था, ये देख के लग नहीं रहा, ये लग ही नहीं रहा। आप पूरा साइज पे फोकस करें, अब आपको नजर आएगा यहाँ पे तीन बंदे नहाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें नहाने वाला एक है जो पानी के अंदर बैठा हुआ है मिट में। बिल्कुल, ये दो इनके शोल्डर पे कपड़ा भी है, ये दोनों जो है ना ये स्टाफ मेंबर थे यहाँ के जो सर्विसेज देते थे जी, एक मसाज करता था, एक ने लाया करता था। जबरदस्त, प्रॉपर स्पा है जी। अभी हम जा रहे हैं गरीब होके, हम तो इसका। अच्छा, इसके ऊपर चार्जेस भी थे, मतलब पे करते थे यहाँ जी, इसलिए तो इसको डिवाइड किया गया था। बेसिकली डिवीजन का मकसद ये था कि एलीट मिडिल लो तभी होगा ना जब आपकी डिवीजन होगी। ऊपर देखिए आप, आपको नजर आ रहे हैं टेराकोटा पाइप्स, इनको बोलते हैं ये साइड पे टेराकोटा के पाइप्स हैं, जो कि स्पेस नजर आ रही है दोनों दीवारों के अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे शेडो, देखें तो अपने सामने साइड पे देखें, लेफ्ट टू राइट शेडो जा रहा है ये, बिल्कुल ये वाली शेडो। ये इस चीज का प्रूफ है कि ये जो चैनल्स हैं दे आर गोइंग लेफ्ट टू राइट डाउन स्लोप है, दे आर यूजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स टू फ्लो द वाटर इन द होल गर्म पानी का। ये मिडिल क्लास, अब नीचे से हीट आ रही, फर्श गर्म कर रही, पर पानी भी गर्म हो रहा है। दिस इज कॉल्ड हाइपोपॉज सिस्टम। हीट आती कहाँ से थी? वो नीचे से आती थी, वो देखे तो यहाँ पे वो टनल्स बने हुए हैं। ये फ्लैश की वजह से मैं शायद आप लोगों को ना दिखा सकूं, लेकिन ये आपको टनल्स नजर आ रहे हैं जिससे हीट निकलती थी, भाप निकलती थी। शाकार है कि इसके अंदर कोई आयरन स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिकली एक जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है ये वाली। साउंड वेव जो है ना वो पास ऑन होती हुई यहाँ से जाती है इस तरफ, ठीक है, इधर फिर ये जो है ना 90 की एक आर्च है, ठीक है, तो वॉइस बेसिकली ट्रेवल करती है इस साइड से आ जाती है इस साइड। मैं आप लोगों को ना पूरा एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ, आप शेयर करना। फहद उधर इस कॉर्नर पे जाएगा फहद, और हम लोग ना ऐलान करेंगे। अब ये वॉकी टॉकी वाला सिस्टम भी एक दफा कर लेते हैं ट्राई। ऊंचा बोल थोड़ा, नहीं हम आम के अंदर हैं जी हम लोग, और ये हम लोग नुकड़े लगे हुए हैं। बड़े करीबी दोस्त ने नुकड़े लगाया हुआ है जो कि अच्छा भी है, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त चीज है। बैक साइड पे एलीट क्लास, तो इसके क्या फंक्शन है ये भी बताएं जरा। बेसिकली ये पिलर्स बनाने का मकसद क्या था, दो फ्लोर्स के दरमियान में एक स्पेस क्रिएट करना। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आके नीचे की तरफ लेफ्ट राइट डाउन चेकेंगे तो आपको टनल नजर आएंगे, टनल्स नजर आ रहे हैं। ये टनल कनेक्ट करते थे 13 रूम, ये सारे टोटल 21 रूम थे, उनमें से 8 एक्सक्लूड करते ठंडे पानी के, बाकी बचे 8 गर्म पानी के और 5 स्टीम बाथ। जो 8 और 5 कमरे थे इनको कनेक्ट करने के लिए ये टनल्स थे। अब जो पिलर आप नीचे देख रहे हैं ना, ये सारे पिलर हैं अभी गर्म पानी के। अगली तरफ जो था वो था 5 सोना बा स्टीम रूम, फिर बाहर 12 फर्नेसेस थी, उन 12 फर्नेसेस के साथ ही सारे के सारे टनल्स कनेक्टेड थी। हीट आती कैसे थी? बाहर फर्नेस में कोयला जलाते थे, 12 फर्नेस थी। अच्छा। 12 में कोयला जलता, कोयला जलाने के बाद जितनी भी हीट जमा होती उधर उसकी चिमनी कोई नहीं थी, हीट इकट्ठी होती उसके लिए ये टनल्स खोले गए थे जो मैंने आपको नीचे दिखाए हैं। बिल्कुल, ये नीचे टनल्स जब ओपन होते तो सबसे ज्यादा हीट प्रेशर इकट्ठा होता है हीट का सुहाना बात, क्योंकि वो मिड में थे और लार्ज पिलर्स वाले थे। आपको बताया कि ये जितने चेंबर्स आपको छोटे नजर आ रहे हैं ना, ये चेंजिंग एरिया, ठीक है, ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, जो सामने आपको नजर आ रहा है वो एक वाटरफॉल की डिपिक्शन है बेसिकली, और ये वाटर चैनल है एक्चुअली। ये ओरिजिनल मुगल दौर का स्काई है, ये 3 लेवल है। फर्स्ट वन बिलोंग टू द ब्रिटिश, मिडिल 1947, थर्ड 1991।
एक लाइन में चार हुआ करते हैं आगे जाके, ये डाल के ठीक है, ये डाल एक तीन चार ठीक है आठ बारह। लेकिन ये वाले जो अभी देख रहे हैं दीवार दिल्ली गेट की है, दिल्ली गेट जब रीबिल्ड किया गया ब्रिटिश दौर में तो जो हमाम का 70% हिस्सा गिराया गया था ना, उसको गिराने के बाद जो काफी डिस्टेंस बचा था उसके ऊपर ये दिल्ली गेट बना दिया गया। तो यहाँ से अब एग्जिट हो चुके हैं हम लोग, ये कराची से आए हैं भाई जान, क्या नाम है आपका? नासिर साहब आए हुए थे, ये मुझे कहते हैं आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या माज रहा है। मैंने कहा जी मेरा है यूट्यूब चैनल, तो अब ये मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। अभी हम इनके साथ ले लेते हैं एक सेल्फी, यादगार सेल्फी विद मास्टर बाबा। ठीक है, ख्याल रखिएगा आपको होपफुली ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मैंने भी काफ़ी, ये पहली दफ़ा अपनी मैं पूरी लाइफ में, हालांकि मैं लाहौर का हूँ और अपनी लाइफ में पहली दफ़ा इस पर आया हूँ, और आया हूँ तो आपको साथ भी लेके आया हूँ। तो अब हम नेक्स्ट व्लॉग करेंगे अंदरूनी लाहौर का, और आपने मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें क्लिक, और लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें। अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।